फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्ल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का चैनल। बहुत बारी इतने वीडियोस में हमारे बताने के बाद भी कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म कब आएंगे, अभी भी प्रतिदिन मेरे को कम से कम 5 या 10 मैसेज आते हैं कि फॉर्म कब निकलेंगे। यूट्यूब में आप अगर वीडियो में कमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि कब आएगा सैनिक स्कूल का फॉर्म। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। RIMC एक इंस्टीट्यूट है जिसके फॉर्म होते हैं ऑफलाइन, इसकी इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे और थोड़ा इसका पेन का साइज मोटे कर लेते हैं। लेकिन दो स्कूल हैं, एक है SS प्लस NSS, लिख देते हैं साथ में, बताऊंगा क्यों, और दूसरा है RMS और तीसरा है UP सैनिक स्कूल। इनके फॉर्म जो हैं, RIMC का मैंने बताया, ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, पेन पेपर पे आपने भर के भेजना है, जमा करना है। लेकिन सैनिक स्कूल और NSS का जो एग्जाम होता है, इसको कहा जाता है AISSEE, जो कि क्लास 6 में लड़के एंड लड़कियों के लिए और क्लास 9 में केवल बॉयज के लिए होता है। RMS भी 6 एंड 9 में, तो 6 में बॉयज एंड गर्ल्स और 9 में केवल बॉयज के लिए। UP सैनिक स्कूल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 6, 7 एंड 9 में, और UP सैनिक स्कूल गर्ल्स को लेता है केवल 9। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। इनके फॉर्म आते हैं सितंबर एंड में, बहुत समय मिलता है, तकरीबन 30 डेज का समय मिलता है फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद भी 4 या 5 दिन का ब्रेक देके ये 1 हफ्ते का करेक्शन विंडो देते हैं कि अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत अपलोड कर दिया है, तो आप उस करेक्शन विंडो में जाके अपना कोई सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया, गलती से कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप करेक्शन विंडो में जाके चेंज कर सकते हैं। तो इनके फॉर्म कब आएंगे? सितंबर एंड में, उससे पहले नहीं आएंगे। तो अभी आपके पास समय है, अभी आप तैयारी कराएं बच्चे। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। इस वीडियो के साथ हम क्या करने वाले हैं, हम इन फॉर्म्स को भरने के लिए जो पिछले साल मैंने वीडियो बनाए थे उनके लिंक्स देंगे। फॉर्म में बाकी जानकारियां, डॉक्यूमेंट सब सेम रहेंगे, लेकिन इस बार सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के फॉर्म में जो आप चॉइस देते थे उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वो क्या चेंज आ जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। UP सैनिक स्कूल केवल एक है, लखनऊ में है, वो अलग है बाकी सब सैनिक स्कूल से। जब बाकी सैनिक स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जो सैनिक स्कूल हैं वो 33 हैं और न्यू सैनिक स्कूल हैं वो 19 है, अभी शायद 20 हो गए, एक और को भी वो मिल गया, तो 19 से 20 न्यू सैनिक स्कूल। इनके बारे में लास्ट में क्या होता था, केवल आप एक सैनिक स्कूल का ही चॉइस भर सकते थे, ओनली वन। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया है, जब से ई काउंसलिंग शुरू हुआ है, आपको अलग अलग राउंड में आपको 10 चॉइस भरने की ऑप्शन दी गई, और अगर आपने न्यू सैनिक स्कूल प्लस सैनिक स्कूल का कॉम्बिनेशन भरा है तो आप 40% रूट में 5 न्यू सैनिक स्कूल भी दे सकते थे, और अगर आप 60% वाले में भी आते हैं तो एक आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं 60% रूट में केवल वही शामिल है। तो न्यू सैनिक स्कूल में यदि आप जिस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं वही सैनिक स्कूल है और आप उसके थ्रू जाना चाहते हैं, 60% सीट्स आपके लिए रिजर्व है, तो उसको 60% रूट कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक आम नागरिक हैं, आप किसी भी सैनिक स्कूल नए वाले में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% का ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, इस बार जब ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन भरा जाएगा, उस समय बड़ा ध्यान से हमें भरना पड़ेगा कि कैसे हमने किस सीनियोरिटी से इन स्कूलों का चुनाव करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो की खास बात आती है कि आप अपनी रिसर्च अभी से शुरू कर दें, रिसर्च करें, जानकारी प्राप्त करें। 33 सैनिक स्कूल में 18 हैं जो काफ़ी पुराने हैं, इनकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है। साउथ के कई सैनिक स्कूल हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले 10 सैनिक स्कूल जो हैं, दो चीज़ें चेक करनी है, अपने बच्चे का स्टैंडर्ड चेक करना है, इन सैनिक स्कूल का कट ऑफ अपनी कैटेगरी का चेक करना। मान लीजिए आपकी कैटेगरी में 245 कट ऑफ है और आपके जो महानुभाव हैं केवल 190 नंबर ला रहे हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन अगर आपका बच्चा 220 230 इतने नंबर ला रहा है नॉर्मल, हमारे मॉक टेस्ट में, कहीं भी मॉक टेस्ट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में बढ़कर, तब आप थोड़ा सा और पुश लगाएंगे तो यहां तक बच्चा पहुंच जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखना है। तो ये जब इस बार जब फॉर्म भरे जाएंगे, हमारा चैनल बहुत पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हम ज्ञान वाले वीडियोस डालने वाले हैं। RMS में क्या होता है, RMS में आपने सभी मिलिट्री स्कूल का 5 हैं देश में,
पांचों को चॉइस देना पड़ता है 1 2 3 4 5। सैनिक स्कूल में पहले एक ही भर सकते थे, अब शायद 10 भर पाएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल का रिजर्वेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, होम स्टेट है, आउटसाइड स्टेट है, दोनों में एससी एसटी ओबीसी डिफेंस और जनरल इस प्रकार की 5 कैटेगरीज हैं, लड़कियों के अलग कहानी है, वो अभी मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्म कब आएंगे वो इस मेन का मुद्दा है। लेकिन आरएमएस में आपने पांचों जो आरएमएस है वो आप चुन सकते हैं। रेपुटेशन देखिएगा, मेरे पास जो पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर हमारे घर के बिल्कुल 50 किलोमीटर दूर सैनिक स्कूल है, मैंने कहा उसकी रेपुटेशन तो देख लो। अगर आपके घर से 800 किलोमीटर कोई दूर सैनिक स्कूल है, उसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, तो वहां भेज दो। सही में वहां पर बच्चे के भविष्य का जो पॉजिटिव पुश मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आपके शायद नजदीक वाला इतना कोई खास नहीं है, अगर उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, बिल्डिंग ठीक नहीं है, वहां का फीडबैक जो आपको मिल रहा है बहुत हेल्दी नहीं है, तो आप इस प्रकार नजदीक के चक्कर में ना पड़े। इस प्रकार आपने चेक करना है। सिमिलरली आरएमएस का भी आप अपनी रिसर्च कर ले, बहुत सारे जो आरएमएस के बारे में अच्छी खबरें हैं, कईयों जो पहले पढ़ रहे हैं, पूरे परिवार में दोस्तों में कोई ना कोई वहाँ का कैडेट मिल जाता है, कैंडिडेट मिल जाता है, उसके पेरेंट्स से हार्ट टू हार्ट बातचीत करें। मैं अपने वीडियो चैनल पर किसी को अच्छा या ख़राब नहीं कहता, वो हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ही गलत हमें रिव्यू मिलता है तो हम अपने जो पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं उनको बताते हैं कि भाई इसके बारे में ऐसा रिव्यू मिला है, उसकी गारंटी हम नहीं लेते, आप वहाँ जाएँ और देखें। लड़कियों के लिए 5 सीटें होम स्टेट में होती हैं, 5 आउटसाइड स्टेट में होती हैं, हर एक स्कूल में 10 या 12 ही सीट्स हैं मैक्सिमम। हर कैटेगरी में एक या एक से ज़्यादा 2 बच्चियाँ ही जा सकती हैं, लड़कियों में कंपटीशन टफ है, तो इस बारी जो मैंने बताया था AISSAC ये करें इंटरनेट पर, यहाँ पर हर स्कूल का हर कैटेगरी का कट ऑफ दिया हुआ, तो आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देखिए, अपने बच्चे को उतने कम से कम मार्क्स ला रहा है उस प्रकार से स्कूल का चुनाव करिए। और मैंने कहा फॉर्म भरने से पहले जो आप काम कर सकते हैं, ये कौन से 10 स्कूल हैं जो आपने चूज करने हैं, कौन से वे 5 नए सैनिक स्कूल हैं जो आपने चूज करने हैं, ये अभी आप डिसाइड कर लें। न्यू सैनिक स्कूल भी 19 में से कुछ 7 या 8 हैं बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में अच्छा फीडबैक मिला है, बाकियों के बारे में सो है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब है, वो बेचारे अभी भी उन्होंने कार्रवाई शुरू कर है, थोड़े दिन में आगे निकल जाएंगे, तो ये आपने रिसर्च करके रखना है। तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने में अभी समय है, 1-1.5 महीने का समय है, उससे पहले जो रिसर्च का काम है वो आपने कर लेना है। हम वीडियो पोस्ट करेंगे, वीडियो देखने में समय लगाएं, आपको ये वीडियो देखा सीधा मेरे को कॉल करते हैं कि अभी मैं आपसे ही जानकारी लेता हूं, मैं कॉल सेंटर नहीं। हर एक पेरेंट से अगर मैं आधा घंटा बात करूंगा, दिन में 2-3 ही पेरेंट से बात कर पाऊंगा। आप अपना रिसर्च, अपना काम स्वयं करें, वीडियो को तसल्ली से देखें, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सब बनवा लें, सबको बिल्कुल सही उसमें ऑर्गेनाइज कर दें। अगर आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते, सबके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है जब फॉर्म भरते हैं, कई लोग हैं उनका गूगल पे ही नहीं है, तो आप गूगल पे का अपना अकाउंट बना लो, अपने बैंक से लिंक कर दो, नहीं तो जिसने पे करना उससे दोस्ती कर लो। बहुत सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से उन वीडियोस में बताई गई हैं। तो मैं चाहूँगा मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कैसे भरा जाए उसका वीडियो देखें, सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे भरा जाए उसका वीडियो देखें, और अपने जानकारी के लेवल को अपग्रेड करें। जो चेंजेस होने वाले इस साल में वो मैंने आपको बता दिए, उनके लिए आप तैयार रहें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।